गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम टू ऑनलाइन एप्टीट्यूड क्लास लेट्स कंटिन्यू पार्ट जी के क्वेश्चन थर्टी टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च इन द कंट्री इन यस इंडिया में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया गया था लॉन्च किया था बाई पी एम मनमोहन सिंह जी और ये स्टार्ट किया था To address the health needs of underserved rural areas. Okay? And when did this start? In 2005. Next question: July 11. Every year is observed as it is observed as World Population Day to focus attention on urgency and importance of population issues. पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए अवेयर करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाब्स इट इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश या इट्स लखनऊ श्री प्रणब मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज एन एम पी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बिफोर बिकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले प्रणब मुखर्जी कहाँ के पीएम थे एमपी थे सॉरी एमपी इट वाज जांगीपुर 2004 और 2009 में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु वन द इंडियन ओपन गोल्फ चैंपियनशिप इन मार्च 2016 किसने जीती थी इट वाज शिव चौरसिया गोल्फ के बहुत अच्छे प्लेयर हैं हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स हैव बिन वन बाई इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड एटीन कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड एटीन में कितने हमने गोल्ड जीते गोल्ड जीते थे हमने ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिल्वर ट्वेंटी ब्रोंस एंड ट्वेंटी सिक्स हमने जीते गोल्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सी के नायडू कप इज एसोसिएटेड विथ पिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इसके लिए क्लू देती हूं आपको सी के नायडू जो है वो फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर टेस्ट मैचेस यस वेरी गुड वंशिका इट्स क्रिकेट नेक्स्ट क्वेश्चन सांबर डांस इज फेमस इन सांबर डांस जो है वो फेमस है पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर एज अ सिंबल ऑफ ब्राजील एंड द ब्राजीलियन कार्निवल तो कौन से किसके लिए फेमस हुआ फिर यस रिंकी इट्स ब्राजील नेक्स्ट क्वेश्चन द टेम्पल सिचुएटेड नियर पुष्कर लेक इन राजस्थान इज रिलेटेड टू पुष्कर लेक के पास राजस्थान में जो टेम्पल है वो किसका है इट इज़ लॉर्ड ब्रह्मास ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव फीचर्ड इन द टॉप टेन ऑफ द आई सी सी प्लेयर रैंकिंग फॉर ओ ऑन मे टू थाउजेंड सेवनटीन मे टू थाउजेंड सेवनटीन में ओ के लिए जो वनडे इंटरनेशनल्स होते हैं इनके लिए आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में टॉप टेन में किसका नाम था इट्स विराट कोहली यस इट्स विराट कोहली और उनके जस्ट पीछे थे टॉप सेकंड जो थे टॉप में तो विराट कोहली थे उसके बाद रोहित शर्मा का नाम था ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद फुल मून डे नो मून डे तो आप दिवाली करते हैं ना फुल मून डे पे क्या है इट्स होली नेक्स्ट क्वेश्चन चेरो द बैम्बू डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स यस चेरो ये बैम्बू डांस होता है बेटे इसमें क्या होता है सिक्स टू एट पीपल्स होल्ड करते हैं पेयर ऑफ बैम्बू स्टिक्स को ठीक है उनको पकड़ते हैं बैम्बू को और उसके फिर आसपास बॉयज एंड गर्ल्स डांस करते हैं और ये होता है इन मिज़ोरम ओके इन मिज़ोरम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उन्होंने लिखी थी 1934 थर्टी फोर में डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन 1946 सिक्स एंड एंड ऑटोबायोग्राफी इन 1936 बट माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ वॉज रिटर्न बाय गांधी जी इट वॉज हिज ऑटोबायोग्राफी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन्स वॉज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी साबरमती आश्रम उन्होंने बनाया सेवाग्राम ग्राम आश्रम भी उनका ही है और फिनिक्स आश्रम भी है बट विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये महात्मा गांधी जी ने नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में बनाई थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द पीपल ऑफ द इंदूज वैली सिविलाइजेशन वर्शिप टैश पीपल ऑफ इंदूज वैली इंदूज वैली के बारे में आप सबने एस एस में पढ़ा है ना यस yes. तो ये क्या है कौन से गो, गोड को मानते हैं वर्षिप पशुपति महाराज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द उपनिषद आर द डैश उपनिषद क्या है बेटे डू यू नो अबाउट इट दीज आर सोर्सेज ऑफ हिंदू फिलोसफी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर नामा वॉज कम्पोज इन विच लैंग्वेज बाबर नामा इट वॉज इन तर्किश ओके इट वॉज इन तर्किश बी फ्रेजेज एंड स्मॉल पोएम्स आर रिटर्न इन परसियन ऑल्सो बट मेनली जो कंपोज हुआ था वो तर्किश लैंग्वेज में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंस्टीट्यूशन हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रीट द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कुछ भी उसमें चेंजेस करने हो या उसको जो भी ठीक करना है उसकी अथॉरिटी किसके पास है इट इज विध सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओके विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज इन इंडिया इज कलेक्टेड बाय पंचायत पंचायत होती है ना जो स्पेशली गांव वग़ैरह में होती है तो वो कौन सा टैक्स लेती है टैक्स ऑन लोकल अफेयर्स फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स ओके प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो होता है वो पंचायत लेती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया इज़ रिलेटेड टू सिटीजनशिप सिटीजनशिप यानी नागरिकता आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया के बारे में क्लास एट आई सांप आपका चैप्टर अब स्टार्ट हो चुका होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बटे इसमें फोर हंड्रेड फोर्टी एट आर्टिकल्स इन ट्वेंटी फाइव पार्ट्स एंड ट्वेल्व शेड्यूल्स हैं जिसमें से जो ये मेनली कंस्टी सिटीजनशिप सिटीजनशिप यानी नागरिकता से रिलेटेड जो पार्ट है वो है पार्ट टू ओके इट इज़ पार्ट टू Within articles 5 to 11. Okay. Next question: Who among the following is the author of War and Peace? War and Peace was is a novel. Okay, is a novel which was written in 1869 and its first translation in English by American uh, writer Witi in 1899. ये लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने ओके okay? लिखी किसने है लियो टॉल्स्टॉय ने इन रशियन लैंग्वेज ओके नॉवल रशियन ऑथर है रशियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी और इंग्लिश ट्रांसलेशन अमेरिकन नाथन डोल ने की थी इन एटीन नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अ पेयर ऑफ ब्लू आइज अ पेयर ऑफ ब्लू आइज इज अवल विच वॉज रिटन इन एटीन

See you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.